पहली बार देखा मैंने पेड़े की एंट्री बर्फी पे हुई है। हेलो अनुराग जी। नमस्कार। हेलो शिल्पा जी। पहले लड्डू खा लो अपना। पॉइंट है लड्डू उड़ उड़ के उनके ऊपर जा रहा है। सुख है ना। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। शिल्पा जी। हेलो। हेलो गीता माँ जी। हेलो अनुआ। ये क्या कर रही हैं आप? अरे अनुराग नाम है ना इनका, तो अनु के पीछे राग आ रही हूँ। वैसे कपूर शर्मा बताए मेरे बारे में? ये हमारी सोसाइटी की टीचर है और ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारे जो बच्चों की भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं। This man na, his presence always gets a lot of nonsense. Now I'm tense. Anyways, let's not spoil the moment. मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे आपके शो सुपर डांसर में पार्टिसिपेट करें। आप उनका ऑडिशन भी ले सकते हैं, लेकिन बिफोर दैट अनुराग जी। हाँ जी। ये सब तो मुझे टीचर की नज़र से देखते हैं, लेकिन आप एज अ डायरेक्टर मुझे हीरोइन की नज़र से भी देख सकते हैं। आई वुड माइंड। ये क्या था? ऐसे मतलब बराबरी में देख रहा था, लो एंगल में। ओह माय गॉड। ये कोफ्ता जो आपने ऊपर रखा है, इसको बना के नहीं देती है। वो आपको हीरोइन की नजर से नहीं, वो आपको गेट आउट की नजर से देख रहे हैं। हाउ यू डिड दिस इज वेरी अनफिट। जस्ट शट अप एंड स्टार्ट ऑन योर चेयर। व्हाई यू टॉक व्हाई यू इंटरफेयर ऑलवेज। अनुराग जी। हाँ जी। मुझ में और शिल्पा जी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बस एक सबसे टांगे लंबी है, थोड़ी वेस्ट कम है और सुंदर बहुत ज्यादा है, बाकी तो सब सेम टू सेम है। आएगी। क्या? बस इसका ये बस मेरे ज्यादा अच्छा है। तो बताइए, वैसे बीइंग अ टीचर मैं बताना चाहूंगी कि फिल्म में थोड़े से अगर ऐसे वैसे सीन हुए तो मैं बिल्कुल करूंगी। आपको एक्टिंग आती भी है कि नहीं? कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगी। ये तो हीरो हीरो वाला डायलॉग है। तो हाँ, तो मुझे फिल्म में ऐसे हीरो रख लीजिए। जी जी। तुम हीरो कैसे बन सकती हो? अच्छा, तुम्हारे मोहल्ले में लड़के लड़की बन सकते, लेकिन मैं हीरो नहीं बन सकती। अनुराग जी। हाँ जी। How was my performance? You can sign me. आप ऐसे ना किया करें, आपका गुलाब उनके नाक में घुस रहा है। आपको जान के खुशी होगी कि आपको बेटे देश निकाल दिया जा रहा है। दो दुनी चार, चार दुनी आठ, इस बंदे की तो मैं लगा दूंगी। आपके बच्चे कहाँ हैं? अरे बच्चे तो बाद में होंगे, पहले शादी तो हो जाए। और अभी तो शादी के लिए हाँ भी नहीं की है। अरे पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। ओके ओके, बुला रही हूँ, पहले मंच तो तैयार कीजिए। बच्चों आ जाओ। एक सेकंड, आपके बच्चे परफॉर्मेंस दिखाएं। गुड मॉर्निंग टीचर, कितना अच्छा लग रहा है। और आज माँ और पा इकट्ठे आए हैं। माँ पा कहाँ हैं? ये गीता माँ और ये शिल्पा। ये कैसे बच्चे हैं? ये कहाँ के बच्चे हैं? किस टाइप के बच्चे हैं? ओवरग्रोन बच्चे हैं। असल में हम ना सीनियर कोटा टाइप बच्चे हैं जी। हम इनसे फीस नहीं लेते, हम तो इनसे पेंशन लेते हैं। ये अनुराग सर, एक्चुअली मैं बताता हूँ, मेरी सोसाइटी के बच्चे बहुत गंदे बच्चे हैं। ये जो सबसे उस तरफ खड़ा ना, ये तो नहाता ही नहीं है, बिल्कुल नहाता। लोगों की ईमेल आईडी होती है, इसकी मेल आईडी है। आपके बच्चों के ऑडिशन होंगे, पहले मेरी जज्जी से दरख्वास्त है, आप इस अपने पैनल पे आ जाइए, जूरी सारे इधर आ जाए। इनको करना है ऑडिशन? इनका ऑडिशन आपको करना है। इतने बड़े बड़े बच्चे कहीं देखे आपने पहले? कहीं होते हैं? 100 करोड़ की बर्फी भी कहाँ होती है, इनकी थी ना। आपको पता है कि अनुराग जी, कब तक ये बर्फी खाते रहेंगे? कभी कुछ चटपटा खाने का मन हो तो बताइए।
मैडम आपका ना एंटीना एक्चुअली ज्यादा नेटवर्क पकड़ रहा है, आप इसलिए ओवर कर रही हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई मे स्टिल बी सोनी। बच्चे अपने आप परफॉर्मेंस कर लेंगे, आप उनको डिस्ट्रैक्ट ना करें जा जिसको। आप ना आप मुझको सुपर डांसर में रख ले, आप मैं ना बड़े डांस कर लेता हूँ, मैं ना सासा कटिंग भी कर लेता हूँ और ना कच्ची पूरी आलू भी कर लेता हूँ। वेस्टर्न करते हो, वेस्टर्न डांसिंग? इसको सिर्फ कच्ची पूरी आता है, मैं तो पक्की पूरी भी कर लेती हूँ। चलो टैलेंट दिखाओ अपना, चलो शाबाश। टैलेंट चल दिखाते। कैसे दिखाना है? खाली पकड़ना, वापस लूंगी। चल चल इधर आ, इधर नहीं आना, इधर से कल टाइगा। मेरे मुंह पे थोड़ा कैसे मारा? तूने गाना नहीं सुना क्या? गोले के दुम पे मारा हथौड़ा, तो मैंने तेरे मुंह पे हथौड़ा मारा। ऐसा तो तुम्हारा मुंह भी हथौड़े जैसा है, तो तुम्हारे मुंह पर मैं क्या दम मार दूं? तू मेरे को कांच के बाल मिल, मैं तेरे को बताती हूँ, तेरे मुंह पे इंक मल के मैंने लाल कर देनी है। इंक तो नीली होती है, मुंह लाल कैसे करोगी? तुम लोगों ने मेरा नाम रोशन किया, इतना रोशन किया, बाहर रोशन घर जाके उससे मिलो एंड टेक दिस लोशन, आफ्टर रोशन पुट दिस लोशन। नो मोर क्वेश्चन, गेट लॉस्ट। मैडम ये कैसे बदतमीज बच्चे हैं, वाह याद आ, बिल्कुल आप पे गए हैं। मुझ पे गए हैं? जी आप पे गए हैं बिल्कुल। अरे कभी आप भी कहीं आया जाए कीजिए ना, जब कितने ईयर बैठे रहते हैं। डोंट वरी डोंट वरी, और भी बच्चे हैं मेरे पास। नेक्स्ट बच्चों, हमारे शो सुपर डांसर पे सिर्फ 4 साल से लेकर 14 साल के बच्चे अलाउड है। हाँ तो इनके 60 निकाल दो, बाकी 4 ही बचते हैं इनके भी। कौन है आप? अरे अरे हेलो अनुराग जी। नमस्ते। हेलो शिल्पी जी। शिल्पी नहीं पा, पा तो बच्चन साहब है यार। पापा पापा पा तो ये तो फिर शिल्पी है ना। हेलो गीता। गीता माँ बोलिए। माँ हो गई तो मेरे लिए तो सिर्फ गीता है। क्या ऐड करने पड़ेंगे वापस? लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते? मैं ना गीते पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो डांस करूँगा अच्छा करूँगा, अच्छे के सिवा कुछ नहीं करूँगा। वैसे मैं बता दूँ, मैं मास्टर मशहूर गुलाटी BCD। BCD मतलब? बहुत क्यूट डांसर। बाल बताइए आपको कैसे डांस आता? एक तो पहली बात आप बच्चे लग रहे हैं, आपके सारे बाल सफेद हैं। और मैं टूथपेस्ट से धोता हूँ ना, इसलिए सफेद हो गए। आपको कोई डांस फॉर्म आती है पहले भाई बताइए? पहले डांस की फॉर्म आती है? मेरे को लग रहा है सिर्फ शेविंग फॉर्म आती है और क्लोरो फॉर्म होती है, सोफा की फॉर्म होती है, पर डांस फॉर्म मैंने कभी ये सुना नहीं है। डांस का तो कोई फॉर्म नहीं होता ना। सालसा के बारे में बताइए अगर आपको पता है डांस का तो। चलिए सालसा साला सा। बैठ के बताइए आराम से, कोई बात नहीं, बैठिए बैठ के बताइए। मैं क्या ऐसे कौन पूछता है यार? ये राजस्थानी है। राजस्थानी कैसे? राजस्थानी मतलब देखो, हम लोग अपने में साला कहते हैं, वो साला सा कहते हैं। जीजा सा, मां सा, उस हिसाब से। मतलब काफी नॉलेज लगती है आपको? Yeah. लगता है काफी साल से डांस कर रहे हैं आप। साल से नहीं, डांस ताल से होता है यार, ये तुम समझे मेरी बात। और कई लोग ऐसे हैं जिनको सालों से डांस नहीं आ रहा, कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, डांस के लिए ना पार्टनर चाहिए होता है, वो कहाँ है आपका पार्टनर? आई एम सिंगल बट गीता जी
आई एम रेडी टू मिंगल. अगर आप मेरे साथ डांस करना चाहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू आई एम ए डॉक्टर ऑल्सो. और डॉक्टर की तरह मेरी बहुत सारी ड्यूटीज हैं. शिल्पा जी आई वॉन्ट टू डू योर ईयर टेस्ट. बिकॉज डांस को जब शो आप जज करेंगी तो ताल मिस नहीं होनी चाहिए. सो आई वॉन्ट टू टेस्ट योर ईयर्स. प्लीज इसको यहाँ लगाइए, कानों में लगाइए अपने. प्लीज ये मुझे लगाना पड़ेगा, अपने कानों में लगाना पड़ेगा. ईयर टेस्ट हो रहे हैं. धड़कन सुनाई दे रही है? उनको बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही. कैसे सुनाई देगी, मेरा दिल तो इनके पास है ना. बट मैं ना आपका ना एक टेस्ट करना चाहूंगा. बिकॉज यू आर अ जज. हाँ, बिकॉज यू आर अ जज. ओ अच्छा. एंड एज अ जज आई वांट टू सी दैट हाउ डू यू डू कपल डांस. Not couple dance, couple dance. So please, oh what a ring, that is so nice. Do minute tak dekhta raho, meri aankhon mein moti ho jaye. Aaiye. Maine kabhi itni kareeb se nahi dekha kisi beauty ko. Dusre lagi. Nahi theek hai. That's okay. Kapde ko. मैं जानती थी कि आप गिरे हुए, लेकिन इतने गिरे हुए मुझे. मैंने आपको देख के गिर गया. हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका. अरे हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका. बेचैन कर गया हमें ख्याल आपका आपका आपका. हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका रुमाल आपका. शाबाश देना चाहता हूँ. थैंक यू. ऐसे कौन शाबाश देता है भाई? है? आपकी पार्टनर कहाँ है शिल्पा? आपके शिल्पा बैठी है, आप बिल्कुल नीम के साथ डांस करेंगे. पहली बार देखा मैंने पेड़े की एंट्री बर्फी पे हुई है. हेलो अनुराग जी. नमस्कार. हेलो शिल्पा जी. पहले लड्डू खा लो अपना. पॉइंट है लड्डू उड़ उड़ के उनके ऊपर जा रहा है सुख है ना. हेलो गीता जी. ए गुराटे, मेरा वेट नहीं कर सकता था तू? अरे तेरा वेट किया था, 208 किलो निकला था. मेरी मशीन टूट गई तेरे को पता. मेरे पैसे निकाल दे. मेरे पास पैसे नहीं है. मेरे पास बाल डाई करने तक के पैसे नहीं है. ए बचपन में बाल कौन डाई करता है? मैं इनका डाई हार्ड फैन हूँ ना, तो मैं करता हूँ.
डाई कौड़ी का जोक मारा इसने, एकदम डाई कौड़ी का जोक मारा। मेरे से मार खाएगी तो? ओ हेलो, ओ बुजुर्ग बच्चों जाओ अंदर जाके लड़ो। अनुराग जी, मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरे जो पिताजी हैं ना, उनमें और आप में एक चीज कॉमन है। वो क्या? वो भी बर्फी बनाते हैं, आप भी बर्फी बनाते हैं। वैसे कि फ्लो फ्लो में जोक पे जोक मारे जा रही हूँ ना मैं। ये तो आपकी बर्फी, फिर उनकी डीवीडी भी बर्फी समझ के खा गई थी, बहुत बेचारी भूखी है। वाह अंकल वाह, ऐसे ऐसे लगातार क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी आप बातें करते रहेंगे ना, तो बहुत जल्द आपकी गोद में बैठ के आपकी गोद तोड़ दूंगी मैं। ओके, अगर आप लोग टैलेंट देखना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले आपको अपना एक्टिंग का टैलेंट दिखाना चाहता हूँ। एज ए जज यू कैन सी इट। ओके गीता, फोकस ऑन मी, फोकस इन। अजल अजल अजल, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। तो मैं पता है अजले, मैं तुम्हारे लिए रोज चलता हूँ रोज गिरता हूँ रोज चलता हूँ रोज गिरता हूँ रोज चलता हूँ रोज गिरता हूँ। अंजले आ, कितनी कितने ज्यादा गिरे हुए आदमी हैं आप। पहले शिल्पा थी, फिर गीता हो गई, अब अंजलि हो गई। तो कोई बात नहीं, मैं गीता के लिए बोल देता हूँ। गीता, मैं तुम्हारे लिए चलने के लिए तैयार हूँ। गीता माँ बोलो आप। माँ होगी तुम्हारे, मेरी माँ उधर है। नमस्ते आंटी जी। लेकिन गीता मेरी माँ नहीं है, सब लोग जानते हैं कि धरती मेरे माँ है। देखो डांस का शो है, डांस का टैलेंट दिखाइए आप। हॉट हॉट फीवर मुझको चढ़ने लगा, बॉडी टेम्परेचर मेरा बढ़ने लगा। हॉट हॉट फीवर मुझको चढ़ने लगा, बॉडी टेम्परेचर मेरा बढ़ने लगा। गर्म है सांस सांस हाँ, आजा तू पास पास आ। दिल मेरा ये कहे कम कम बेबी, कम कम बेबी टच मी नाउ, कम कम लेट मी शो यू हाउ। सिर्फ छह तो मतलब मान गए आप लोग कि हम डांस के बाद जाएंगे ना। तीसरे बादशाह हम है, चौथे बादशाह हम है। चौथा नहीं, झूठा बादशाह है तो फालतू बात कर रहा है। तुमने देखा तो दुनिया का सबसे गंदा बच्चा लग रहा है। सीरियसली, इसका शो से कोई लेना देना नहीं, मैं सच में कह रहा हूँ। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। पर आपको सीरियसली हमारे बच्चों का टैलेंट पसंद आया? थैंक गॉड ये ऐसा टैलेंट हमारे शो पे नहीं है, वरना सब हार जाते ना। इनके लिए बनती है सर। हाँ